News 18, India. आप पेटीएम के जरिए पैसे का लेन देन कर रहे हो, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में आपका खाता है, या फिर पेटीएम के शेयर के आप निवेशक हैं, तो आप सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि अब पेटीएम का क्या होगा। संक्षेप में अगर कहूँ, साफ साफ शब्दों में कहूँ, तो पेटीएम पेमेंट बैंक को फिलहाल किसी बड़ी राहत की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हालांकि तीन बातें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि 29 फरवरी की जो तारीख है, जो तारीख रिजर्व बैंक ने तय की है कि उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पैसे का लेन देन नहीं हो पाएगा, क्या उस तारीख में कोई ढील देती है क्या रिजर्व बैंक। दूसरा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगा, इसकी भी अटकलें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और तीसरा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो जांच शुरू की है, वो जांच कितनी गंभीर नतीजे तक पहुंच पाती है। तो तीन बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। ये तीनों बातें पेटीएम के भविष्य को तय करेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, फिलहाल पेटीएम को तत्काल कोई राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि जब से रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है, तब से पेटीएम के शेयर 50% से ज़्यादा टूट चुके हैं। कई दिन तक तो 20-20% का लोअर सर्किट लगा, फिर रेगुलेटर ने सर्किट फिल्टर को कम किया, 10% किया, तो कई बार 10% को भी छुआ, और अभी भी ये गिरावट लगातार जारी है। शेयर बाज़ार के जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो भी पेटीएम से फिलहाल दूर रहने की भी सलाह दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पेटीएम ने ऐसा किया क्या जिसको लेकर के रिजर्व बैंक इतना ज़्यादा सख्त है, हर कोई पेटीएम से दूर रहने की सलाह दे रहा है। तो यहाँ बताऊँ कि थोड़ा सा आपको पीछे देखना होगा। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिला था जनवरी 2017 में, और उस लाइसेंस मिलने के बाद उसी साल मई में पेटीएम ने अपना कामकाज शुरू कर दिया था। और उससे पहले आपको याद होगा, ये वही पेटीएम है जो नोटबंदी के समय में एक बहुत बड़ी राहत लेकर के आया था। उसके बाद इसका कारोबार तेज़ी से फैला। पेटीएम पेमेंट बैंक के लाइसेंस के बाद कामकाज काफ़ी हुआ, नए ग्राहक जुड़ते गए। चूँकि लाइसेंस रिजर्व बैंक ने दिया था, रेगुलेटर रिजर्व बैंक था, तो रिजर्व बैंक लगातार इस पर नज़र बनाए हुए था। रिजर्व बैंक ने यह पाया कि जितनी तेज़ी से पेटीएम का कारोबार बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से पेटीएम पेमेंट बैंक के नए ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से वहाँ पे नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है, अलग अलग तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। लिहाजा अगले ही साल, अब देखिए 2017 में रिजर्व बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक को लाइसेंस देता है, और उसके अगले ही साल रिजर्व बैंक एक फैसला ले लेता है और कहता है कि नए खाते नहीं खोले जाएंगे। 2018 जून की बात है। तो जैसे ही जून 2018 में रिजर्व बैंक ने फैसला लिया और कार्रवाई की, कहा कि नए खाते आप नहीं खोल सकते हैं, रिजर्व बैंक ने बताया पेटीएम को कि आपके यहाँ ये गलतियाँ हो रही हैं, उसको आप ठीक करिए। फिर पेटीएम ने उन गलतियों को ठीक किया, अपना एक कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपा रेगुलेटर को कि हम अपनी गलतियाँ ठीक कर रहे हैं, आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी, इसका ख्याल रखा जाएगा। फिर दिसंबर में ही पाबंदी रिजर्व बैंक ने हटा ली थी, लेकिन रिजर्व बैंक लगातार नज़र बनाए हुए था रेगुलेटर होने के नाते। रिजर्व बैंक ने यह पाया कि ये गलतियाँ फिर से दोहराई जा रही हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट में जो वादा किया गया था पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से, उन वादों को फिर से तोड़ा जा रहा है। उसके बाद रिजर्व बैंक लगातार संपर्क में रहा, लगातार ये कहता रहा पेटीएम पेमेंट बैंक को कि आप अपनी गलतियाँ को सुधारते रहिए। इसके बावजूद जो संकेत मिले, सूत्रों से जानकारी मिली, पेटीएम पेमेंट बैंक से उतनी ज़्यादा गंभीरता जितनी की अपेक्षा रेगुलेटर रख रहा था नहीं दिखाई गई अपनी गलतियाँ को सुधारने के लिए। लिहाजा 2022 में रिजर्व बैंक ने एक और कदम उठाया, वो था मार्च 2022 में, और कहा कि नए ग्राहक आप नहीं जोड़ सकते हैं। तभी लग गया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ गड़बड़ ज़्यादा बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस कदम के बाद भी जब पेटीएम की तरफ से सुधार के संकेत नहीं दिखे पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से, तब एक तरफ सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने की तैयारी कर रही थी, उसी वक्त रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला लिया और कहा कि अब पेटीएम के कारोबार को बंद किया जाए, और 29 फरवरी तक की डेडलाइन दी कि 29 फरवरी तक जितने भी पैसे हैं ग्राहक के पेटीएम पेमेंट बैंक को वो निकाल लें। ये तारीख थी आपको 31 जनवरी की तारीख थी, इसी साल 31 जनवरी की। और उसके बाद लगातार पेटीएम के शेयर गिरने लगे। हालांकि सिरे से
खारिज किया पेटीएम पेमेंट बैंक ने कि हमारे यहाँ कोई ऐसी गलती नहीं है, रिजर्व बैंक ने जो गलतियाँ कही हैं बताई हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने यहाँ एक इंटरनल कमेटी भी बनाई, उस कमेटी की अध्यक्षता सेबी के पूर्व चेयरमैन कर रहे हैं और कहा गया है कि जितने भी कंप्लायंस जितने भी कानून हैं उन सभी कानून को पालन किया जाएगा, जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाएगा। फिर सवाल उठा कि क्या पेटीएम के इस कदम के बाद रिजर्व बैंक अपने फैसले की समीक्षा करेगा, तो रिजर्व बैंक ने साफ तौर से कहा कि मैं फिलहाल अपने फैसले की समीक्षा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे समय के विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया था। यहाँ एक जिक्र करना ज़रूरी होगा HDFC बैंक को लेकर के, आपको याद होगा कि HDFC बैंक पर भी रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसी सख्ती की थी, उसके बाद HDFC बैंक का पूरा बोर्ड रिजर्व बैंक के पास आकर बैठा था और जितनी गलतियां बताई गई थी 90% गलतियां जब सुधार लिया था HDFC बैंक ने तब जाके अपनी सख्ती रिजर्व बैंक ने हटाई थी। तो कुछ उस तरह का कदम पेटीएम की तरफ से नहीं उठता है तब तक जो है पेटीएम की पर जो कार्रवाई की गई है उसमें नरमी आने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। अब इतनी सारी कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पेटीएम पेमेंट बैंक ने इतनी बड़ी गलती कर क्या दी, तो बताऊँ इसमें दो गलतियाँ उजागर हुई हैं। पहली बात कि नो योर कस्टमर की शर्तों का उल्लंघन किया गया होगा। आप देखते हो कई सारे बैंकों से आपके पास आते हैं फ़ोन कॉल आते हैं कि अपना आधार जोड़वा लीजिए, अपना पैन कार्ड से लिंक करा दीजिए, KYC के कई सारी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। तो रेगुलेटर ने ये पाया कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स थे उनमें KYC शर्तों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया। खबरें तक यहाँ तक ही है कि एक एक अकाउंट में 1000 अकाउंट में एक ही पैन के कॉपी लगा दिए गए, यानी एक पैन पे 1000 से ज़्यादा अकाउंट खोल दिए गए। और फिर दूसरा एक और गंभीर आरोप ये लगाया जा रहा है कि ऐसे बेनामी खाते जिसको कह सकते हैं उन खातों के जरिए पैसे का बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पैसे बाहर भेजे गए, ऐसे में फेमा का भी मामला बनता है। यही वजह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED भी इस पूरे मामले में शामिल हो गया है, ED इसकी जांच कर रहा है। हालांकि पेटीएम का कहना है पेटीएम पेमेंट बैंक का कि ED की जांच की जानकारी उनको नहीं है। तो ये दो गंभीर उल्लंघन थे जिस वजह से रिजर्व बैंक को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। फैसला लेने के पीछे एक और वजह थी, रिजर्व बैंक को लगा कि बार बार कहने के बावजूद गलती होती जा रही है, इससे डिपॉजिटर यानी पैसा जो जमा करते हैं उनका जोखिम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। भारत में जिस तेज़ी से फिनटेक सेक्टर बढ़ रहा है, निवेशकों का भरोसा फिनटेक सेक्टर पर बढ़ रहा है, अगर पेटीएम में कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तो फिनटेक सेक्टर पर से निवेशकों का भरोसा उठ जाएगा क्योंकि रिजर्व बैंक फिनटेक सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता है। इन्हीं सब वजहों से रिजर्व बैंक को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब यहाँ पर बताऊँ कि एक और डेवलपमेंट होने वाला जिस पर सबकी नज़र रखनी चाहिए वो है, आपको एक FAQs आना है रिजर्व बैंक की तरफ से। वो FAQs आपके हर सवाल का जवाब देगा। जैसे कि आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या पेटीएम ऐप काम करेगा कि नहीं कर पाएगा 29 फरवरी के बाद, आप ये भी जानना चाहते होंगे कि फास्टैग से मेरा पेटीएम जुड़ा हुआ है तो क्या फास्टैग काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरह के तमाम सवाल जो है वो सवालों के जवाब रिजर्व बैंक की तरफ से दिए जाएंगे FAQs में, और FAQs कुछ ही दिन में या इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। FAQs के भाषा FAQ शर्त से पता चल जाए कि ये सख्ती कितनी ज़्यादा दिनों तक रहने वाली है या फिर रिजर्व बैंक का मूड माहौल क्या है, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक पेटीएम को राहत मिलने का आसार नहीं दिख रहे हैं।